हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। इस वीडियो में जो कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, जो सेकंड लास्ट वीकली एक्सपायरी है मार्च मंथ की, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमारी वीकली एक्सपायरी में हम कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करें, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करनी चाहिए, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करें, बायर है तो क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि हम कहाँ पर ओपन होने वाले हैं, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। बट ऑब्वियस है, ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, और हमें 3:30 बजे तक अगर प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेड करनी है तो हमें लेवल्स पता होने चाहिए। इसलिए हम सेकेंड स्टेप में लेवल्स पे चलेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड अगेन कल भी स्ट्रांग था। अगर आप यूएस की इंडेक्सेस की बात करो तो डाउ जोन्स 1% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। पिछले 2-3 दिनों से जो उनका नेस्डेक थी, जो टेक हैवी इंडेक्स थी, वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रही थी, बट कल उसने भी पार्टिसिपेशन किया। अराउंड 1.5%, 184 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। ठीक है, तो यूएस मार्केट का मूड कल काफ़ी स्ट्रांग था। अब अगर हम अभी यूरोपियन मार्केट देखें वो कहाँ पर ट्रेड हो रही है, तो आप देख सकते हो जो यूरोपियन मार्केट है वो सब पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रही है। थोड़ी बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रही है, क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो क्या है? वो है फेड। फेड की मीटिंग है आज। अगर किसी कोई इंडिविजुअल बिगनर है जो ये वीडियो देख रहा है, जिसे ये नहीं पता यार ये इवेंट कहाँ से पता कर सकते हैं, तो मैंने पहले की वीडियो में भी ये मेथड बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। तो इन्वेस्टिंग इंडिया में आपको जाना है और साइट को ओपन कर लेना है। जब आप साइट को ओपन कर लेते हो तो आप ऐसे करके आपके पास होम पेज आ जाता है। उसके बाद आपको टूल्स में जाना है, सबसे ऊपर इकोनॉमिक कैलेंडर आपको मिलेगा, इस कैलेंडर में आपको जंप करना है। एंड जब आप इस कैलेंडर में नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स लिखे हुए आते हैं। यूएस के जो इवेंट्स होते हैं वो इम्पैक्टफुल होते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं हमारे लिए, तो यूएस के इवेंट्स आपको देखने हैं। अब यहाँ पे जितने भी इवेंट्स लिखे हैं, किसी के आगे 1 स्टार लगा है, किसी के आगे 2 स्टार लगा है, किसी के आगे 3 स्टार लगे हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टार वॉलिटिलिटी का इंडिकेशन दे रहे हैं। 1 स्टार मतलब लेस वॉलेटाइल इवेंट, 3 स्टार मतलब हाईली वॉलेटाइल इवेंट। तो ये लिखा आ रहा है 11:30 बजे फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, 3 स्टार बना हुआ है। क्या एक्सपेक्टेशन है? 4.75 अभी है। एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट पे बढ़ाएगा फेड, और 5% की एक्सपेक्टेशन है। अब अगर इससे ज़्यादा बढ़ाता है तो इट्स अ नेगेटिव साइन। इतना बढ़ाता है तो मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है, अगर नहीं बढ़ाता है तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। तो अब देखने वाली बात है क्या कहता है। साथ में उसके बाद की जो 11:30 बजे एक FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आती है, ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है, क्योंकि ये बताती है कि फेड का क्या आगे की इकोनॉमी को लेकर, आगे की कंडीशंस को लेकर फोरकास्टिंग है। तो लोग मोस्टली इसे देखते हैं रेट डिसीजन को, इसको मिस कर जाते हैं, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों मीनिंगफुल इवेंट है आज, जिस कारण अगर हम देखें तो जो ग्लोबल मार्केट है वो फ्लैट या हल्के फुल्के पॉजिटिव में, कॉशियस मोड में है। अगर हम यूएस के फ्यूचर्स देखें वो भी आप देख सकते हो फ्लैट हल्के फुल्के नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। ऑब्वियस है, बहुत बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं मूव कर रहे। हमारा मार्केट भी आज एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था डिस्पाइट स्ट्रांग ग्लोबल मार्केट, क्योंकि हम भी कॉशियस थे, बिकॉज यूएस का जो फेड का इवेंट है वो हमारे लिए भी काफ़ी मीनिंगफुल रिएक्शन देता है। अगर हम देखें निफ्टी कहाँ पर ट्रेड हो रही है, फ्लैट जोन में ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सा कंक्लूड करें तो ग्लोबल मार्केट कल पॉजिटिव ट्रेड हुए थे, आज सारे मार्केट फ्लैट, हल्के फुल्के पॉजिटिव, हल्के फुल्के नेगेटिव काइंड ऑफ ट्रेड हो रहे हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, बड़ा मेजर इवेंट है आज, तो उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस है मार्केट। अब चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ, और ये देखते हैं कि हम जो भी आज फेड डिसीजन ले उसका जो भी इम्पैक्ट आए उस इम्पैक्ट को कैसे कल ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो पहले आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने शानदार बाउंस बैक किया है, और फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना क्या कर चुकी हैं, 13 EMA को टच कर चुकी हैं।
बैंक निफ्टी, सिर्फ निफ्टी पीछे रह गई है, होपफुली वो भी कर लेना चाहिए। आज वही हुआ, 13 EMA के पास आई है, ऑलमोस्ट 13 EMA का अपना टारगेट हिट कर दिया है और एक हल्की सी रेड कैंडल बना के गई है। इससे ज़्यादा कुछ हम इम्पैक्ट समझ नहीं सकते, बट ये है कि अगर फेड डिसअपॉइंट करता है किसी फ्रंट पे तो दोबारा हम एक फर्दर करेक्शन देख सकते हैं, और अगर फ्रंट हैप्पी कर देता है किसी कारण से भी तो फेड, तो 13 EMA का ब्रेकआउट कल के मार्केट में पॉसिबल हो सकता है, देखना पड़ेगा। अगर हम आज की मार्केट की बात करें, बहुत ही बोरिंग मार्केट थी, ऑप्शन सेलिंग के लिए हैप्पी मार्केट थी बट बायर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग मार्केट थी। ये आज की मार्केट है, गैप अप खुलने के बाद पहली कैंडल में इसने शूटिंग स्टार बनाया था और उसके बाद से बस 13 EMA और 17,500 इनके बीच में ही ऑक्सीलेट करती रही, तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं। अगर कोई एंटर भी करा है तो पिट के बाहर आया होगा क्योंकि टाइम वैल्यू डिके के कारण वो फंस गया होगा, बहुत छोटी छोटी मूव खाने को मिली। तो इट्स अ ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट थी क्योंकि कॉल के भी आज प्रीमियम टूट रहे थे, पुट के भी टूट रहे थे, तो जो भी मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी उसमें डिसेंट रिटर्न मिले, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट थी, बायर के लिए मार्केट में ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ है। बैंक निफ्टी क्या करके गई थी कल, 13 EMA को टच करके बंद होके गई थी, 40,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी आ रहा था। कल की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि बड़ा क्रूशियल लेवल है। आज 40,000 के हल्का सा ऊपर खुली, क्लोजिंग 40,000 के जस्ट नीचे आई है, बट द पॉजिटिव थिंग इज कि क्लोजिंग 13 EMA के ऊपर आई है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यही बात, यही देखना होगा कि कल जब फेड का डिसीजन आ जाता है उसके बाद कल बैंक निफ्टी क्या करती है, 13 EMA को सेव कर पाती है और 40,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो आने वाले दिनों में स्ट्रांगनेस की तरफ इंडिकेशन होगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी और बाउंस बैक दिखा सकती है। 15 मिनट की बात करें, ना ही करें तो बढ़िया है, क्यों ना करें। अगेन ऑप्शन बायर का दिन नहीं था, पहली कैंडल में गैप अप खुलने के बाद नीचे आई मार्केट और 40,000 जो इंपॉर्टेंट की लेवल आपको कल के वीडियो में बताया था और ये 13 EMA आ रहा था, इसी के बीच में घूमती ही रही पूरे दिन, बस यही करती रही। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो इट्स अ डिसेंट डे फॉर यू, बायर के लिए थोड़ा सा टफ डे था आज, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम नहीं था। अब ऑब्वियस है हर दिन मोमेंटम नहीं होगा मार्केट में, मार्केट फंसेगी भी, तब हमें स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा इसे। तो ये आज की मार्केट थी, कोई एंट्री एग्जिट बनी ही नहीं, बनी तो वो टारगेट अचीव नहीं हुए क्योंकि मार्केट में बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं था। अब अगर कल के लिए प्रिपरेशन करें, कल की मार्केट को देखें, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस है ये हमारी निफ्टी है, जो सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट के लेवल्स बताने से पहले ये जो लेवल्स मैंने मेंशन किए स्पॉट के लेवल्स हैं इंडेक्स के, इस पे अगर आप एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन से स्ट्राइक को लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली को ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो, या एट द मनी को भी ले सकते हो अगर आप रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हो तो। अगर किसी को डेल्टा की नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी हमने एक सिंप्लीफाइड वीडियो बनाई हुई है डेल्टा पे, आप उसे देख सकते हैं जरूर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट है 17, 16, 750 और 500, रेसिस्टेंस 218 से 250 का जोन एंड 459 से 500 का जोन। इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर 17,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 16,750 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और वहीं पर घूमने लगती है तो धीरे धीरे आप इसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रेस करके आप क्या करोगे, कॉम्प्रेस करके आप 16,900 के नीचे जाके बैठ सकते हो। अगर मार्केट एकदम फ्लैट खुलती है और डाइजेस्ट कर लेती है फेड के डिसीजन को, और यहाँ आप 17,300 पे जाके बैठ सकते हो, बट ये आपको पहले देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ खुलती है और उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये रहे आपके लेवल्स, एक बार मैं चार्ट में समझा देता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, कल तीन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है और फ्लैट भी ओपन हो सकती है। तीनों पॉसिबिलिटी टोटली ओपन है क्योंकि हमें नहीं पता कि जो फेड है वो क्या करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो इंटरेस्ट रेट है वो तो इनलाइन ही होना चाहिए, 25 बेसिस पे इंक्रीज होना चाहिए। जो कंसर्निंग पॉइंट है वो जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन बाद में करता है वो है, क्योंकि आप लिस्ट जितने भी 5-6 मीटिंग्स देखोगे फेड की, इंटरेस्ट रेट में जो हाइक है वो इनलाइन ही आता है और US की मार्केट उसके बाद कोई इम्पैक्ट करती भी नहीं है, रिएक्ट करती भी नहीं है जितना मैंने देखा है। जो रिएक्शन आता है वो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस जब चालू होती हैं तब आता है, क्योंकि असली सस्पेंस उसी में है।
वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी निफ्टी 50 है। अगर हम पहला केस देखें कि अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, ठीक है, गैप अप होती है, दो टाइप के गैप अप हो सकते हैं। इफ एक बड़ा गैप अप हो, ठीक है, बड़े गैप अप के केस में एक तो 250 हमारा लेवल आ रहा है, और अगर आप देखोगे तो 13 EMA का भी लेवल आ रहा है 218 पे, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा गैप अप होता है और जो वे 218 से आपका 250 का ये जोन जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ओपन होती है और दो कैंडल सस्टेन कर जाती है, यानी कंसेक्यूटिव दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है 15 मिनट की, इट्स अ पॉजिटिव साइन। आप कॉल बाय करोगे 17,400 और 500 के टारगेट के साथ। अगर ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज देती है और दो कैंडल कंटिन्यू सस्टेन करने लगती है, इट्स अ बेयरिश साइन। आप पुट बाय करोगे और नीचे आपके टारगेट 17,150 और 17,000 होंगे। टारगेट्स आपको पता है, पुट कौन सी बाय करनी है, कॉल कौन सी बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस सी के केस में जो हमारा लेवल है 17,250 से 218 है, सी के केस में वो इसके 0.25% यानी 40 से 50 पॉइंट नीचे होगा। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितने आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो। और एसएल पुट के केस में क्या होगा, 7,250 में 40 या 50 पॉइंट्स ऐड करके, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कोई बड़ा गैप अप ना ले, निफ्टी पॉसिबल है, और थोड़ा बहुत ही गैप अप ले। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो अगर हम एक बार ऑप्शन चेन में चले, तो मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करी हुई है और ये हमारी कल की एक्सपायरी है 23 मार्च की। अगर हम ऑप्शन चेन से देखें तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है वो 17,500 पे आ रहा है, उसके बाद 17,400 पे आ रहा है, 17,300 पे आ रहा है, 17,200 पे आ रहा है, यानी ऊपर जितनी भी स्ट्राइक है सब पे एक मीनिंगफुल ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। सपोर्ट 17,000 बैठा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ना ले, हो सकता है जो गैप अप हो 17,200 के ऊपर हो, ठीक है, इसकी भी स्टिल डिसेंट पॉसिबिलिटी है। तो अगर 200 के ऊपर गैप अप होता है, अगेन टू कंसेक्यूटिव कैंडल सस्टेन करती है, तो आप कॉल बाय करोगे, और अगर ओपन होने के बाद नीचे आ जाती है तो 150 और 7,000 के टारगेट के साथ पुट बाय करो, ठीक है। स्टॉप लॉसेस वही आपके 40 पॉइंट्स माइनस में अगर कॉल बाय कर रहे हो, पुट बाय में प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। ये था कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, हाई गैप अप और एक थोड़ा बहुत गैप अप, फ्लैट के केस में, फ्लैट के केस में जो आज लेवल था 17,150 का, उसके पास ही ओपन होने की हम उम्मीद कर रहे हैं, निफ्टी जो की जो क्लोजिंग आई है उसके आसपास, ठीक है। तो अगर 7,150 के आसपास ओपन होती है, एक फ्लैट ओपनिंग लेती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 150 के ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं। अगर दो कंसेक्यूटिव कैंडल सस्टेन करती है तो आप कॉल बाय करोगे, 250 से लेकर जो 218 का जोन आ रहा है वो आपका टारगेट हो जाएगा। अगर खुलने के बाद 17,150 ब्रेक करती है और दो कैंडल कंटिन्यूस नीचे क्लोजिंग दे देती है, इट्स अ पुट टाइम 17,000, जो सबसे हाई ओआई है जहां पर पुट सेलर्स का, उसको टेस्ट आउट करने जा सकती है। ये है फ्लैट ओपनिंग के केस में कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो तो हमें उसे कैसे डील करना है। लास्ट ऑब्वियस है, मार्केट हमें गैप डाउन भी दिखा सकती है क्योंकि हम एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गैप डाउन की भी डिसेंट पॉसिबिलिटी हमें कल को मिल सकती है। तो अगर लेट से मार्केट गैप डाउन होती है तो कैसे डील करें? एक है कि गैप डाउन बिगर हो जाए। बिगर गैप डाउन का मतलब है निफ्टी 17,150 के आसपास बंद हुई है और मार्केट सीधे 17,000 के नीचे खुले, और उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, सबसे ज़्यादा पुट सेलर्स वहीं पे बैठे हैं तो उनको पैनिक कराने के खुल भी सकती है। खुलने के बाद अगर नीचे क्लोज देती है और दो कैंडल सस्टेन करती है, पुट बाय कर सकते हैं, 16,900 और 750 टारगेट होंगे। और अगर ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करने लगती है कंसेक्यूटिवली, यानी 17,000 खुलने के बाद क्लोजिंग ऊपर ही दे 17,000 के और दो कैंडल कंटिन्यूस सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम 17,150 फर्स्ट और आपका 17,250 दूसरा टारगेट। और 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, देखने वाली बात होगी कि अगर गैप डाउन हुआ तो 17,000 को कैसे हैंडल करती है मार्केट। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे कि कल गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के केस में हम निफ्टी को कैसे हैंडल करेंगे, और ये लेवल्स यहाँ पे भी मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सपोर्ट 39,500 और 39,000 है, रेसिस्टेंस 4,500 41,000 है, क्रूशियल लेवल 39,954 से 40,000 है। अगर आप कॉल सेलर हो 41,000, पुट सेलर 39,000 के नीचे रह सकते हैं। ऑप्शन बायर क्या करें, मैं एक बार बता देता हूँ। ऑप्शन बायर के लिए तीन टाइप की पॉसिबिलिटी अगेन है। पहली पॉसिबिलिटी है गैप अप
हमें दिख सकता है। अगर गैप अप दिखे तो हम क्या करें, पहले उसके साथ देख लेते हैं। तो गैप अप के केस में एक चांस है कि हम 40,250 के आसपास का एक लेवल आ रहा है, इसके ऊपर खुले। अगर इसके ऊपर खुलने के बाद सस्टेन करते हैं, यानी दो कैंडल 15 मिनट की कंजिकेटिवली ऊपर क्लोज दे देती है, तो 40,500 का एक जो लेवल आ रहा है वो आपका टारगेट हो जाएगा, और फिर अगला टारगेट 40,700 से 750 के पास आ रहा है वो हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे क्लोज देती है दो कैंडल, मतलब 40,000 का जो लेवल आ रहा है, जोन आ रहा है, उसको टेस्ट आउट करने आ रही है, और एक 670 से 750 का जोन आ रहा है, उसको टेस्ट आउट करने आ रही है। तो ये है गैप अप के केस में हम कैसे करें। को आपको बाय कौन सी करनी है, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस क्या होगा मैं एक बार बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में 40,250 में -100 पॉइंट्स हो जाएगा, और इफ़ आप पुट बाय कर रहे हो SL पुट के केस में 40,250 +100 हो जाएगा। ठीक है, ये था अगर मार्केट कल गैप अप दिखाए तो हम उसको कैसे डील करें। मार्केट फ्लैट भी ओपन हो सकती है, फ्लैट ओपन होने के बाद आज जैसी सिचुएशन में आ जाएगी, क्योंकि फ्लैट ओपन होने का मतलब है ये 40,000 से 39,954 का जोन आ रहा है, इस जोन में कहीं ओपन होना, तो आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा और कोई आपके पास चारा नहीं है। अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फ्लैट ओपन होकर सस्टेन करती है, एटलीस्ट दो 15 मिनट की कैंडल ऊपर टिकती है, यानी एक वो कैंडल जिसने क्लोजिंग देगी उसके बाद वाली, तो कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी होगी। 40,250 के आसपास एक हमारा टारगेट आएगा, और अगर खुलने के बाद इसको गेन नहीं करती है, इसके नीचे ही सस्टेन करने लगती है, मतलब सेलिंग आ सकती है। 670 से 750 का जोन आ रहा है वो फर्स्ट, और 39,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल परसों बैंक निफ्टी ने गेन किया था, अगेन उसे टेस्ट आउट करने जा सकती है। अगर हम ऑप्शन चेन से देखें, ऑप्शन चेन से बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हमें नजर आ रहे, तो जो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस नजर आ रहा है वो 40,000 पे सबसे स्ट्रांग नज़र आ रहा है, जिसको आज पूरे दिन वो रसिस्ट भी करती रही है। और जो सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट नज़र आ रहा है 39,000 पे सबसे ज़्यादा, तो बड़ी वाइडर रेंज दिख रही है। एक 39,500 पे भी ऑलमोस्ट इक्वल ही नज़र आ रहा है, जिस लेवल को परसों बैंक निफ्टी ने गेन किया था। तो बैंक निफ्टी गिरती है तो 39,500 तक दोबारा जा सकती है, वहाँ पे जो पुट सेलर्स हैं उनकी उनको टेस्ट आउट करने के लिए। लास्ट है गैप डाउन के केस में कैसे हैंडल करें हम मार्केट को, या स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी को। तो गैप डाउन के केस का मतलब है कि आज बैंक निफ्टी बंद हुई है 40,000 के आसपास। ठीक है, दो टाइप के गैप डाउन हो सकते हैं। एक बिगर गैप डाउन, मतलब 39,500 के नीचे आसपास खुलना, खुल के अगर दो कैंडल नीचे कंजिक्यूटिवली क्लोज दे देती हैं पुट बाय करेंगे, और अगर नीचे या आसपास खुल के दो कैंडल कंजिक्यूटिवली ऊपर क्लोज दे देती है कॉल बाय करेंगे। दूसरा हो सकता है जो 750 से 670 का एक जोन आ रहा है, इसके नीचे खुले या इसके पास खुले, अगेन सेम है, दो कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, मतलब 39,500 टेस्ट आउट करने जाएगी, और वहाँ पे खुल के अगेन इस लेवल के ऊपर दो कंटिन्यूस कैंडल टिक जाए, मतलब 40,000 पे जो कॉल सेलर है उनको टेस्ट आउट करने आएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, और उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स थे और उनको कैसे डील करना है गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के केस में। अब एक बार फाइनेंशियल निफ्टी देख लेते हैं, इसकी कल एक्सपायरी है नहीं, बट आप ट्रेड तो कर सकते हो। सपोर्ट है 600, 500 और 250, रेसिस्टेंस 900 और 18,000, 750 से 805 का क्रूशियल जोन आ रहा है, 13 EMA के ऊपर आज क्लोजिंग देकर गई है, सस्टेन करना इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर फाइनेंशियल निफ्टी अगर रैली आगे चाहिए। अगर सस्टेन करती है 18,000 ऑन कार्ड्स है। ऑप्शन सेलर है 18,250 के ऊपर, 17,250 के नीचे। बायर है तो ये रहे आपके लेवल्स, 750 से 805 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, 900 और 18,000 टारगेट होंगे, 900 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, 18 और 18,125 टारगेट होंगे। सिमिलरली बाकी सिनेरियो में भी आज आप अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं, ये आपके टारगेट्स रहे। स्टॉप लॉस आपको पता है निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी का डिनोमिनेशन सेम है, तो 40 या 50 पॉइंट्स नीचे इन द केस ऑफ कॉल, और इन द केस ऑफ पुट 40 और 50 पॉइंट्स ऊपर आप लगा सकते हैं। तो हमारे लेवल्स थे। अगर हम वीकली कंक्लूड करें तो 17,000 की लेवल होगा कल की वीकली एक्सपायरी का निफ्टी का, और अगर हम नीचे 17,000 ऊपर 17,250, और बैंक निफ्टी का बात करें तो नीचे 39,500 और ऊपर 40,000, ये की लेवल्स होंगे जो हम वॉच आउट कर सकते हैं कल की वीकली एक्सपायरी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने एनालिसिस करी कल की वीकली एक्सपायरी में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में ज़रूर मदद करेगी। इसी विश के साथ वीडियो एंड करेंगे, पसंद आई हो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें,
ताकि हम और ऐसी वीडियो लेकर आएं तो आपको पता चल सके, आप उससे कुछ सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। और एक ज़रूरी बात, अपने पैसों का सबसे अच्छा डिसीजन एक इंडिविजुअल खुद ही ले सकता है और पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं होता। तो ये जो एनालिसिस है, ये मेरे एनालिसिस है कि कल मैं वीकली एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करूँगा। आपको ट्रेड करनी है तो आप ज़रूर अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, इस एनालिसिस से हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मनी का आपसे अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। जो भी आपकी एनालिसिस होगी वही आपका प्रॉफिट और लॉस डिफाइन करेगी, और वो दोनों ही आपका होगा। तो इसी विश के साथ कि वीकली एक्सपायरी आप सबके लिए हैप्पी एंड प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।